नमस्कार, मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आप सभी को एक बार अभिनंदन करते हुए अपने योग सेंटर में आज बरसात का मौसम शुरू हो गया है और कैसे अपने घुटने की हम हिफाजत कर सकते हैं उसके लिए आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हम स्टेप लेकर के आए हैं। और यह स्टेप यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो हम यह मानते हैं कि आपका घुटना बच जाएगा। यदि आपके घुटने में दर्द नहीं शुरू हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं। घुटने में दर्द हो चुके हैं, घुटने के अंदर कार्टिलेज या उसके ग्रीस या उसके गैपी की समस्या आ गई है, उन सब के लिए यह 5 स्टेप जरूरी है। तो देखिए करना क्या है कि बहन जी ने जैसा बैठा है अभी दंडासन में उसी प्रकार बैठना है पैर खोल करके। और पहला स्टेप है कि एक कंबल को मोड़ के यहाँ रखा गया है। इस कंबल को जिस पैर में, यानी हम एक पैर से शुरू कर रहे हैं, दाहिने पैर की एड़ी के नीचे इसको लगाना है, ठीक। और लगाने के बबाद ये एड़ी जमीन से 3-4 इंच ऊंचा उठ जा रहा है। जोर जोर से सांस को भर के सांस को छोड़ते हुए एड़ी को पुश करना है नीचे की तरफ। यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ नजदीक से, एड़ी को दबाया जा रहा है नीचे की तरफ। एड़ी को जब दबाइएगा तो इसका असर देखेंगे आपके घुटने के पास और जंघाओं के पास भी इसका हो रहा है। ये क्रिया आप 10 बार 20 बार 30 बार 50 बार भी इसको कर सकते हैं, यानी 1 सेकंड में 1 बार हो रहा है। यदि 50 बार करते हैं तो 50 सेकंड लगा, 60 बार करते हैं तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट आपका अभ्यास हुआ। मैं 10 बार करके दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको करने के बाद इसी कंबल को, मोड़े हुए कंबल को, रोल को हम अपने घुटना के ठीक नीचे लगाएंगे। घुटना के नीचे ठीक लगा करके हम जोर जोर से घुटने को प्रेशर देंगे तो हमारा एड़ी आगे से उठ जाता है। देखिएगा मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, एड़ी जमीन से 1 से 2 इंच उठा हुआ नजर आएगा और इसको पुश किया जा रहा है। ठीक घुटने से हम नीचे रखे हुए कंबल को दबा रहे हैं, एड़ी आगे से उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस क्रिया को भी आप 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं, यानी सब क्रिया कम से कम 1-1 मिनट करिए तो 60 बार तो आपको निश्चित रूप से होगा। बार बार घुटने को पुश करना है। अब ये करने से घुटना में यदि दर्द शुरू हो चुके हैं, उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत आ गई है, कटकट की आवाज़, ग्रीस सूख रहा है, या डॉक्टरों ने आपको गैपिंग की समस्या बता रखा है, यहाँ तक कि ऑपरेशन करने के लिए आपको सलाह दे रखा है, तो ऑपरेशन या जो करना है बाद में करिएगा आप, लेकिन मेरा कहना मान करके इसे 1 या 2 महीना इसको कर लीजिए। लाभ तो 10वें दिन से 5वें दिन से पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है घुटने में। अब ये दूसरा स्टेप करने के बाद अब तीसरा स्टेप है, इस कंबल को बाहर निकाल देंगे और पैर को जमीन में रख देंगे। पसारिए, पैर को पसारना है नीचे। हाँ, अब थोड़ा सा ऊपर करके घुटना को देखिए। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्रिया करना है बार बार, आपको सांसों के साथ इसको खींचना है, संकुचित करना है, प्रसारित करना है। इस प्रकार से घुटना के पास आपको मूवमेंट होगा। अब ये मूवमेंट होगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो घुटना के ऊपर की एक अलग हड्डी है, घुटना के नीचे एक अलग हड्डी है, दोनों हड्डियों को जोड़ने वाला यह स्थान है। और यहाँ पर ऊपर में एक कटोरी रहता है और एक खांच बना हुआ रहता है जिसमें दोनों हड्डियाँ फंसी हुई हैं और उसमें ग्रीस, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। और बार बार ये अभ्यास करिएगा तो आपके लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर कार्टिलेज रिपेयर होंगे, आपके अंदर कटकट की आवाज़ आ रही वो ठीक होगा, घुटना मुड़ने में दिक्कत कर रहा है वो ठीक होगा। तो आप देख सकते हैं ये अभ्यास किया जा रहा है, इसे
घुटने के नीचे की मांसपेशियां और घुटने के ऊपर की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, सांसों के साथ अभ्यास हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी ज़्यादा मात्रा में पहुँच रहा है। ये आपका 3 स्टेप, इसको भी 10 बार से लेकर के 60 बार तक अभ्यास करना है। अब इसको करने के बाद तीसरा स्टेप क्या है, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा स्टेप है कि हम उसके हाथ लगाएंगे घुटने के अंदर और दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ लेंगे और पैर को सीधा करना है इस प्रकार से, देखेंगे, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे पैर को, फिर पैर को थोड़ा सा मोड़ के नीचे रखेंगे, ये केहुनी को घुसाना है और ऐसे अंदर की तरफ जितना मैक्सिमम केहुनी घुटना के नीचे घुस जाए उसको करना है। 10 बार इसको करेंगे। इसमें आपका घुटना सीधा हो रहा है ऊपर की तरफ, जंघाओं के पास तनाव आ रहा है बहन जी, इसमें यहाँ खिंचाव आ रहा है, और ये जो आपका अंगूठा है अंदर की तरफ कर लेंगे, जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो नीचे की तरफ करिए। इस क्रिया को 10 बार करेंगे। चलिए मैं गिन के दिखा दे रहा हूँ, 1, फिर 2, डाउन करिए, 3, 4। आज का यह 5 स्टेप देश और दुनिया भर के गांव और शहर, गरीब और अमीर, जिनको भी घुटना है, घुटना में दर्द शुरू हो रहा है और घुटना में विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं, उसका हम समाधान इस 5 प्रकार के मुख्य स्टेप से कर सकते हैं। अब ये 10 बार हो जाए तो इसको क्या करना है कि अब छोड़ देंगे इसको, और 5वां स्टेप है, इस प्रकार का एक रोलर है घुटने के अंदर लगा लेना है। ये विशेष करके उनके लिए है, हाँ, इसको पकड़ लेना है रोलर को दोनों हाथ से, आप पैर को थोड़ा आगे की तरफ और पीछे की तरफ करना है, और ये जो रोलर है एकदम घुटना में कस के सटाएंगे। अब इन जिनको भी गैपिंग की समस्या आ गई है, दोनों हड्डियां आपस में टकरा रहे हैं और वो हड्डियां टकराने के बाद दर्द उत्पन्न करता है, सूजन उत्पन्न करता है, तो एक रोलर नीचे लगा लीजिए और बार बार घुटना को अंदर की तरफ प्रेस करना है, दबाना है और अंदर की तरफ एड़ी को ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि फैलाव होगा और दोनों हड्डियाँ यदि सट रही हैं तो उसमें दूरी बनेगी। तो ये अभ्यास आपको भी 10 बार से लेकर के 60 बार कम से कम आपको करना है। मैं 10 बार इसको गिन के दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसको छोड़ दीजिए, पैर को पसार दीजिए और लास्ट में एक रिलैक्सेशन अभ्यास है, दोनों पैर सटा लीजिए और एड़ी को आगे पीछे 10 बार कर दीजिए। ये जरूर करना है, जब कार्यक्रम के शुरू में भी इसको करना है, यदि आप अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं तो आप इसको 8-10 बार करके पैर को रिलैक्स करके, पैर को हल्का गर्माहट पैदा करके इस अभ्यास को शुरू करिए, और जब 5वां स्टेप हो जाए तो लास्ट में भी इस क्रिया को 8-10 बार केवल आगे और अपनी तरफ पीछे सांसों के साथ करके इसके बाद इसको रोक देना है। तो आइए, आप सभी भाई बहन को ब्रिजमोहन योग केंद्र में स्वागत करते हुए आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाएंगे, और वो भाई बहन जो घुटना से पीड़ित है और वो ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है और ऑपरेशन करने के बाद जब समस्या उत्पन्न होती है वो जग जाहिर है, इसलिए आइए हमारा कहना मानिए और 10 बार इसका अभ्यास जरूर किया करिए। और इसका दोनों पैर से भी आप कर सकते हैं, जैसे बहन जी ने एक पैर से किया, और क्योंकि दोनों पैर दोनों घुटना हमारे लिए बराबर है तो दोनों घुटने से भी आप इसको दोनों पैर के लिए आप बारी बारी से दोहरा सकते हैं। धन्यवाद।